खाने और ईंधन के बेलगाम दामों के चलते आज जो थोक महंगाई की दर है वो 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और इससे पहले कि भाजपा की सरकार, उनके प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी ये कहने पर जुट जाए कि ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हो रहा है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि थोक महंगाई दर लगातार 13 महीने से बढ़कर डबल डिजिट में रह रही है और आज उसने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 15.08% पर। यह सरकार की उदासीनता है, यह उनकी बेरुखी है, यह बेवकूफी है, हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं यह हम सबके जीवन पर प्रभाव डालेगा। यह थोक महंगाई दर जरूर है लेकिन इसका असर खुदरा महंगाई दर पर, रिटेल इन्फ्लेशन पर जरूर होने वाला है। और बताना यहां पर इसलिए जरूरी है किस चीजों के दाम बढ़े हैं। ईंधन, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी के तो दाम बढ़े ही हैं, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के करीब 39%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तो 70% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन खाने की सामान के दाम लगभग 8.5% बढ़े हैं। और जिसको कमर तोड़ महंगाई कहते हैं वो यही है। और सबसे ज्यादा अगर आग लगी है किसी चीज के दाम में तो वो है सब्जियों के दाम। आलू जैसी सब्जी के दामों में भी आग लगी हुई है और सरकार की बेरुखी आम आदमी के पॉकेट में डाका डालना और उनके गले रेतने के बराबर है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि जो थोक महंगाई दर होती है उसका करीब 65% कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्ड गुड से आता है। तो अंततोगत्वा वो सारी चीजें जो हम और या आप रिटेल में यूज करते हैं, चाहे वो आटा हो गया, चाहे वो साबुन हो गया, चाहे तेल हो गया, चाहे बिस्कुट हो गया, चाहे खाने का तेल हो गया, वो सब महंगा होगा। और यहां पर ये बताना जरूरी है कि कई बार चर्चा जो है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर आकर थम जाती है, लेकिन खाने के तेल में ऐसी आग लगी है कि 29 महीने से लगातार बढ़कर 15% उसने भी महंगाई का दर पार कर लिया है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।